नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनका आज के मैच में आप सभी को तूफान देखने को मिलने वाला है। और ये खिलाड़ी अपने दम पर ही मुकाबला जिताने की क्षमता रखते हैं, और अगर आज ये खिलाड़ी चलते हैं तो यकीनन टीम एक तरफा मुकाबला जीत सकती है। तो दोनों टीमों की ही दो दो खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज का जो मुकाबला है वो पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। ये मुकाबला शाम 3:30 बजे से शुरू होने वाला है। ऐसे में दोनों ही टीमें काफी धांसु प्लेइंग 11 लेकर उतर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आज अपने दम पर मुकाबला जिताने की क्षमता रखेंगे और इनका तूफान देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों केएल राहुल हैं। जी हां, आपको बता दें केएल राहुल की हालिया फॉर्म बेहद ही शानदार रही है। बेशक से वो आईपीएल में कई मैचों में पहली गेंद पर ही आउट हो गए हैं, लेकिन फिर भी केएल राहुल से हमें उम्मीदें हैं। और केएल राहुल जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो यकीनन एक मैच में ही ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल सकते हैं। साथ ही साथ केएल राहुल की जो इस साल की फॉर्म है वो भी बेहद ही शानदार है। केएल राहुल ने अभी तक जितनी भी पारियां खेली हैं वो अच्छी रही हैं, और जिन पारियों में केएल राहुल का बल्ला चला है उनमें उनकी टीम मैच जीती भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी केएल राहुल एक बेहद ही रोमांचक और तूफानी पारी खेलेंगे। आपको बता दें कि केएल राहुल लगातार बेहतरीन पारियां इस साल के आईपीएल में खेल रहे हैं। ऐसे में उनको उनके फैमिली से भी, फैंस से भी सपोर्ट मिल रहा है, और यहां तक कि आथिया सेट्टी भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज केएल राहुल एक बार फिर से बेहद ही शानदार पारी खेलेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर के प्लेयर की। तो जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि मार्कस स्टोइनिस हैं। दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मुकाबले में एक बेहद ही शानदार पारी खेली थी। हालांकि मार्कस स्टोइनिस को उतनी पर्याप्त गेंदें नहीं मिली, वरना मार्कस स्टोइनिस शायद मुकाबला एक तरफा कर देते। लेकिन फिर भी जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस ने परफॉर्मेंस करके दिखाया उससे एक बात तो क्लियर है कि मार्कस स्टोइनिस बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मुकाबला कोई जिता सकता है तो मार्कस स्टोइनिस ही जिता सकते हैं। उनका चलना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच की तरह ही इस मैच में भी उनसे तूफानी पारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें हम मुंबई इंडियन के प्लेयरों की, तो जी हाँ, नंबर वन पर है ईशान किशन, जिनकी आज आप सभी को एक बार फिर से बेहतरीन पारी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ईशान किशन इस साल ज़्यादा कुछ खास अभी तक ज़्यादा मैचों में कर नहीं पाए हैं। इनका बल्ला एक दो मैच में ही चला है, लेकिन वो मैच एक तरफा रहे हैं और बहुत ही अच्छी पारी इन्होंने खेली है। तो ईशान किशन पे आज हमारी निगाहें होंगी। उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन आज एक बार फिर से बेहतरीन पारी खेलेंगे और अपनी टीम को मुकाबले में जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे नंबर के खिलाड़ी की, तो वो हैं सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने अभी तक इस साल के आईपीएल में दो मुकाबले खेले हैं, और दोनों ही मुकाबलों में इनकी जो फॉर्म रही है वो बहुत ही शानदार रही है। लगातार सूर्य कुमार यादव अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी टीम को जिताने के लिए अपना 100% प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि मुंबई इंडियन अभी तक इस सीजन में अपनी एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो आज दोस्तों ये चार खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस, जिनके ऊपर सभी की निगाहें होंगी। और आज ये खिलाड़ी अगर चलते हैं तो यकीनन काफी रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।